मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं और बयातपुर के लोगों आपसे वादा करता हूं कि जितने मिनट इस माइक पर रहूंगा अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूँ। बहुत बहुत बहुत। अब मैंने इतना अच्छा पढ़ा, इस व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। ये लाल छत्र जेपी सिंह जी, आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये भी संतुष्ट नहीं हुआ। मोदी जी भी 9 साल से लगे हैं सबको संतुष्ट करने में, लेकिन आज भी लोग छाती पीट रहे हैं, आज भी लोग छाती पीट रहे हैं। ए मोदी, मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। हाय मेरे 15 लाख। ए मोदी, 15 लाख दो, मुझे 15 लाख चाहिए। हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां कमजोर है आपकी, थोड़ा बढ़ाइए। मेरे अगले 15 लाख की किस्त तो मुझे उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इस बार सबके हाथ आसमान में, ताजी 15 लाख तो मुझे अभी मिले जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हमारे मोदी से कहता है, मोदी सर प्लीज 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई से आता हूं और मेरा यह तेवर 2012 में वही था। तमाम धमकियां सही और इतना भी जानता हूं कि 2017 से पहले हमारी घर की बहू बेटियां शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरा करती थी, कांपा करती थी। सर, हम सबने निर्णय बदले, बटन बदली और चमत्कार यह हुआ कि आज मेरे इलाके में किसी गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे बहनों के दुपट्टे का एक धागा भी टच कर सके। हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, हमने सुना था चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। मेरे नौजवान साथी बैठे, आपको मैं बता दूं, अब मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, जरूर इस भीड़ में कोई ना कोई बैठा ये सोच रहा होगा ये भाजपा ही है, ये सरकारी कवि है, ये दरबारी कवि है, ये अंधभक्त है। तो बयातपुर के लोगों, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है। संपूर्ण देशभक्ति में उसी से सीखता हूं। क्या बात कर रहे हैं? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो दक्षिण भारत से कोई बदतमीज नेता आपका अपमान करते हुए कहता है कि आपका धर्म, आपकी परंपराएं, आपकी रीति रिवाज, आपकी संस्कृति, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, इस तरह के बयान आए दक्षिण भारत से। लेकिन मेरे बयातपुर के लोगों